نحمده ونصلي على رسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعابدين والحمد لله के सफर में निकलने से ही मिल जाया करता है।
चुनांचे मेरे आका फरमाते हैं आदमी हज का इरादा करता है और हज के इरादे से घर से निकलता है उसके गुनाहों की बख्शिश शुरू हो जाती है, दिल के इरादों की तकमील शुरू हो जाती है, जो दुआएं मांगता है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, इसमें कितने लोग हैं हज में जाने वाले? हज में जाने वाले माशाल्लाह, जो भी 12-13 लोग जो भी हैं और भी जा रहे हैं, मेरी बातें गौर से सुने। अल्लाह के प्यारे रसूल हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी हज की नियत करता है और घर से कदम निकालता है, जिस वक्त घर से निकला वो मक्का मुकर्रमा जाता है, मदीना मुनव्वरा जाता है, सफर में रहता है, जब तक कि वापस नहीं हो जाता है, वापस घर के अंदर दाखिल नहीं हो जाता है, अब उसमें 13 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, जितने दिन भी लगे 35 रोज लगे, घर से निकला है और हज के अरकान की अदायगी कर रहा है, जब घर में 13 महीने के बाद वापस आएगा, 40 रोज के बाद वापस आएगा, 35 रोज के बाद वापस आएगा, और वापस आकर के घर के अंदर कदम रख देगा, उसके पहले वो जब जब जो जो दुआएं करता जाएगा, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता चला जाएगा। आखिर अब फिर आप कहा मुझे खाने काबा पर निगाह पड़ी, दिल में जो दुआ हुई, जो दिल से दुआ निकली फौरन कबूल हो गई, करीब पहुंचे तब अपने काबा शुरू हुआ, रहमतों के समंदर में नहाने लगे, बाकी तो तवाफ की दौड़ का नमाज तवाफ करने के बाद अदा करेंगे तो परिणतों के समंदर में नहा जाएंगे, मैदान अरफात में पहुंचेंगे, वहां 50 लाख का मजमा है, 20 लाख का मजमा है, 40 लाख का मजमा है, 60 लाख का मजमा है, उस मजमे में अल्लाह ताला तमाम हाजियों पर निगाहे रहमत डाल देता है, और जिस पर अल्लाह ताला एक बार निगाहे रहमत डाल देता है उस पर अजाब नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला की रहमत तो इस कदर है, और वहां की जीत भी हाजिर रहता है, शैतान भी हाजिर रहता है, वो भी मैदानी अरफात में किसी ओर से किसी कोने से किसी तरफ खड़े होकर के देखता रहता है कि इन पर क्या होता है, इन पर क्या होता है, और जैसे ही अल्लाह ताला कबूलियत का ऐलान करवाता है, जितने मैदान अरफात में हाजिर है सबका हज कबूल है, तो शैतान तनाता हुआ हवा खारिज करता हुआ वहां से वापिस हो जाता है। तो मेरे बुजुर्गो दोस्तों, ये बहुत अजीब मौका है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हज के लिए निकलो इतनी अजमत वाला मामला है, तो हमारे बुजुर्गो ने जो फरमाया वो सुनो, हज से जब निकलो तो हज में निकलने से पहले कुलिया अय्युहल काफिरून 3 बार पढ़ लो। क्या पढ़ लो? कुलिया अय्युहल काफिरून, जिन्हें याद है वो जबानी पढ़ लेंगे, और याद नहीं है तो देखिए ना क्या करेंगे, कुरान खोल कर पढ़ लेंगे, क्या करेंगे कुरान खोल कर पढ़ लेंगे, इज़ा जा नसरुल्लाह 3 बार पढ़ लो, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 बार पढ़ लो, जब पढ़ कर के निकलोगे तो सफर की तकानी से महफूज हो जाओगे। अब मेरे बुजुर्गो दोस्तों, एहराम यहाँ कलकत्ता से आप जाने वाले हो तो एहराम आप घर से भी बांध कर निकल सकते हो, एहराम बांधना है मीकात पर, और मीकात समंदर में से जब लोग सफर करते हैं तो यलमनब एक जगह आती है रास्ते में, जद्दा के करीब, जद्दा से पहले यलमनब एक जगह है, वो हिंदुस्तान वालों का मीकात है, वहां से एहराम बांध कर गुजरना है,
और अगर बगैर एहराम बांधे वापस हो गए तो अभी हमारे हफ्ते मौलाना शकुद्दीन साहब ने बताया एहराम फर्ज है, नियत के साथ एहराम बांधना फर्ज है। बगैर एहराम के बगैर नियत से वहां से आगे बढ़े तो वापस आना होगा और उस मकाम से आपको फिर एहराम बांध करके दोबारा जाना होगा। तो अब जलंधर कहाँ है? जब समंदर का रास्ता था, पानी वाले जहाज से सफर करते थे तो जलंधर आने से पहले ऐलान कर दिया जाता था जलंधर आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ और एहराम बांधो। एहराम से पहले आपको अपने बदन को पूरे तरीके से साफ कर लेना है, हजामत बनवा लेनी है, बाल सही करवा लेना है, दाढ़ी वगैरह का छट्टो बनाते हैं उन्हें बना लेना है, नाप वगैरह की सफाई पूरे तरीके से कर लेनी है, जेरे नाप के आगे के हिस्से को भी साफ कर लेना है, पीछे के हिस्से को भी बालों से साफ कर लेना है, नाखूनों की कटाई भी कर लेनी है, हाथों का नाखून, उंगलियों का नाखून किसे भी तराश लेना है, पैरों का नाखून उसे भी तराश लेना है, बिल्कुल साफ कर लो। और उसके बाद इतने अच्छे तरीके से नहाओ, रगड़ रगड़ कर साबुन लगा कर खूब अच्छे ढंग से नहा लो कि बदन में थोड़ी सी भी मैल बाकी न रहे। ये मजहब इस्लाम है और यहाँ सफाई को इंतहाई अहमियत आती है, तहारत और सफाई सुथराई को इंतहाई अहमियत आती है। और फिर उसके बाद एहराम बांधो। जब एहराम बांधेंगे इस इरादे से, अब यहाँ वाले हिंदुस्तान वाले जो हज करते हैं तो हज तमत्तो करते हैं, हज तमत्तो में एक फायदा ये है कि आप यहाँ से पहले उम्रे की नियत से जाएंगे, मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, उम्रे की अदायगी करने में बताता हूँ कैसे उम्रा होता है, पहले उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद हज जब ये एहराम खोल देंगे तो एहराम खोलने के बाद आप आजाद हो जाएंगे। और एहराम में चूंकि बहुत पाबंदियां हैं, कोई जानवर मार नहीं सकते, बदन को खुजला नहीं सकते, बाल कोई टूटना नहीं चाहिए, बदन से मैल की सफाई होनी नहीं चाहिए, एहराम की हालत में बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो इसलिए हज तमत्तु में ये फायदा है कि आप एक दिन में दो दिन में एहराम से आजाद हो जाते हैं उम्रा करने के बाद। फिर जब हज की 8 तारीख आएगी, 8 तारीख को या 8 तारीख से पहले आपको फिर एहराम बांधना होगा, फिर आप एहराम में हो जाएंगे और 5 दिन आपको एहराम में रहना होगा। अब मेरे बुजुर्गो दोस्तों, आपको एयरपोर्ट पर एहराम बंधवा दिया जाता है, घर से अगर आप चाहें तो यहाँ से एहराम बांध कर जाए, नियत चाहे आप एयरपोर्ट पर जहाज में बैठ जाए तब कर दें, जब नियत कर देंगे तब से आप एहराम में होंगे। ये बात याद रखिए, और मैं आपको एहराम पहनने का तरीका बता देता हूँ। मेरी जानकारों से देखें और कुछ नसीब है ये लोग जो लोग जा रहे हैं, कुछ नसीब है वो लोग जो पहले जा चुके हैं, और कुछ नसीब है वो लोग जिन लोगों ने आप लोगों की तरबियत और तालीम के लिए किए। तमाम हमारे सफाई साहब हैं, उसको साहब आम दुकान में बोले जाते हैं, माशाल्लाह ये हमारी बच्चों के बहुत अच्छे और इनके साथ आसान रहे अल्लाह के खान साहब हैं, इन्होंने ये पाकिस्तान हिंदू मिशन की जानिब से ये प्रोग्राम का एहतमाम किया, अल्लाह ताला इन लोगों को। मैं एहराम बांधने की तरकीब बता देता हूँ। एहराम में सिर्फ दो चादर बांधनी है, मर्दों को कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, औरतों के लिए आजादी है, उनका एहराम सिर्फ इतना है कि उनका चेहरा खुला रहना चाहिए, बाकी वो जैसा कपड़ा पहनती है जिस अंदाज से पहनती है वो अपने कपड़े में रहती है, बस ये कि बाल खुलना नहीं चाहिए, उनका एहराम
बाल खुलना नहीं चाहिए और उनका चेहरा खुला रहना चाहिए, और अगर चाहे लोगों की नजरों से अपने चेहरे को बचाना तो उनके लिए ये भी कोई दफ्ती नुमा इस अंदाज का कपड़ा अपने सर से कैप वगैरह था, कैप होता है कैप वगैरह की तरह कोई इस तरह लगा दे कि चेहरा ढकने न पाए, उनकी नजर खुली रहे और दूसरे लोग उनके चेहरे पर सही तरीके से नजर भी न डाल सके। और इस तरीके से कोई भी हिजाब तो नहीं कर सकते, बस कैद की सूरत में कोई चीज लगा सकते। और लेकिन मर्दों को पाबंदियां बहुत सी, वो सिला हुआ कपड़ा पहन नहीं सकते, सर उनका ढक नहीं सकता है, औरतों को सर ढके रहना इस अंदाज से की बाल खुलने न पाए, तो सिर्फ दो चादर में मर्दों को। आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए, हमेशा बिस्मिल्लाह हर काम में मुसलमान को पढ़ना चाहिए, ये भी जब आप पहनेंगे तो बिस्मिल्लाह। ये देखिए एक चादर तो ये है, मेरी जानी बात देखू बता रहा हूँ, ये दाहिना है ये बायां है, दाहिना ऊपर रहना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा हम लोग भी नहीं देखना, हम लोग नहीं बोलना, देखना नहीं बोलना भी नहीं कि आप इसको अंदर वाला ऐसे कर लेंगे तो इससे ठीक रहेगा। फिर आप इस तरह मोड़ लीजिए, थोड़ा सा मोड़ लीजिए, मोड़ करके इधर दाहिने जाने तो ऊपर ऊपर थोड़ा कर लीजिएगा इससे, ताकि नीचे जो है से लगे। इस तरह करने के बाद फिर ये दाहिना ऊपर आ जाएगा, इसको इस तरह अंदर पहले थोड़ा सा मोड़ लें, इस तरह मोड़ कर इधर मोड़ लेना, मोड़ लेंगे ताकि आप चलेंगे तो आपको चलने में फिर दुश्वारी नहीं होगी, और अगर पूरा पीछे ले आएंगे तो नीचे का कदम आगे बढ़ाने में फंसेगा आपको दुश्वारी। उसके बाद ये चादर है, इस चादर को बाएं जानी कंधे के ऊपर और दाहिने जानी ऊपर चादर बाएं जानी क्यों डालते हैं, ये तो है, लेकिन जब आप पहले शुरू में डालेंगे दो रकात नमाज एहराम के नियत से आपको पढ़नी है तो फिर सर के ऊपर रखेंगे, सर ढका देंगे, इस तरह आप करेंगे। अब आप एहराम के लिए नियत के लिए दो रकात नमाज नफल पढ़ेंगे और उन दोनों रकात में कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन कुलिया जुहर काफून सूरह फातिहा के बाद कुलिया जुहर काफून पहली रकात में और कुल अल्लाहु अहद दूसरी रकात में पढ़ना बेहतर और अफजल है, ये बात। अब नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं दो रकात नमाज नफल की बात अल्लाह ताला के वो मेरा तरफ के अल्लाह कैसे और नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ते ही सलाम, नमाज पूरी करके सलाम करेंगे, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, इतना कहते ही सर से आप चादर को हटा दें, और चादर को हटाने के बाद खड़े हो जाएंगे, नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं उम्रे, यहाँ से आपको उम्रे पर जाना, नियत करता हूँ मैं उम्रे, अय मौला इसे मेरे लिए आसान फरमा और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा, इसमें मेरे लिए बरकत व रहमत नाज़िल फरमा, कायदे से आप सुनी नाज़िल फरमा, और उसके बाद फौरन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक, ये बुलंद आवाज से औरतें धीमी आवाज से कहें, औरतों की आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, उन्हें धीरे धीरे कहना है, मर्द लोग बुलंदाबाद से तीन बार कहेंगे, तीन बार कहना मुस्ताहब है, तीन बार कहेंगे लब्बैक कहते हुए कहते ही आप एहराम के पाबंद हो गए। अब आपको ख्याल रखना है कि नींद के आलम में भी आपका चेहरा बंद नहीं होना चाहिए, अगर सोना भी पड़ जाए तो सोने में ये ख्याल रहे कि उस वक्त आपकी चादर आपके चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, जैसा भी जवाब कितनी भी ठंडक हो चेहरा बंद नहीं होना चाहिए, सर आपका बंद नहीं होना चाहिए। अब आपको नमाज भी पढ़नी है तो खुले सर पढ़नी,
अच्छा, जब आप पहले उम्रे के लिए जाएंगे, उम्रे का तवाफ करना है और फिर जो है हज का तवाफ, जब हज की नियत कर लेंगे, हज का तवाफ करना है, तो हज या उम्रे में जब आप पहले तवाफ के लिए जाते हैं तो उसमें आपको इस्तेमा और रमल करना होता है। इस्तेमा कहते हैं कि बाएं कंधे पर चादर रहेगी और दाहिना कंधा मोटा आपका खाली रहेगा, इस तरीके से, इस तरीके से जाना है। ये जब आप हमेशा नहीं, हर तवाफ पे नहीं, सिर्फ उम्रे वाला तवाफ और हज वाला तवाफ, उसमें जिसमें तवाफ काबा के बाद सफा मरवा की सही करनी है, उस तवाफ में आपको ये कंधा खाली रखना है, ये कंधा खाली रख करके तवाफ करना है। और रमल कहते हैं कि तवाफ के तीन चक्करों में आपको थोड़ा अकड़ का पहलवान की तरह चलना है, मीटर होकर चलना है, तो उस चलने के लिए कंधा मोटा हिलाते रहिए, मोटा हिलाते हुए अब थोड़ा तेज रफ्तार चलना है, रफ्तार जो आपकी है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मालूम हो कि बहुत भीड़ है, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, इस अंदाज से थोड़ी तेजी के साथ चलिए। लेकिन चूंकि वहाँ मजमा बहुत कसीर होता है, तवाफ करने के लिए कदम आगे बढ़ाने की भी जगह नहीं मिलती है, तो ऐसे आलम में आप धीरे धीरे चलेंगे, किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो नहीं इधर मारा उधर मारा ऐसा नहीं, ये ख्याल रखिएगा, ये हमेशा ख्याल रखिए कि तवाफ में या हज के तमाम अरकान में, मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज्जमा में, कहीं भी किसी भी शख्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप भी, आज जितने भी गुस्सा हों, गुस्से वाले हों, अपना गुस्सा हिंदुस्तान में रख करके जाइए, वहां जाकर तो थोड़ा सा इनसे लग गए तो इधर डांटने लगे, थोड़ा सा उनसे फिर गए तो उनसे डांटने लगे, कतई तौर पर ये नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि जो है बहुत से लोगों को हमने तो यहाँ तक देख लिया, अपना खराब कर लिया, उसको मार दिया तो नाक फट गए, जो है वो दारिशौर में दारे हेरा में थे, ऊपर की जाने वही बस अंदर जाने के लिए, उसी में तो ये लोग थे अफगानिस्तान में वाले, अफगानी मुल्क वाले थे, अफगानी खान लोग थे, बस लड़ाई करके मार दिया कर पहले लगा। तो बहरहाल इन सब चीज़ों का लिहाज इंतहाई जरूरी है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। अब आप जो पहले एहराम बांधेंगे तो उस वक्त से ये इज्तिमा आपको नहीं करना है, ख्याल रखिएगा, पहले आपको इसी तरह रखना है और इसी तरह नमाज पढ़नी है। अगर मोठा खुला रख के नमाज पढ़ेंगे आपकी नमाज मकबूल होगी, ये भी ख्याल करें, इतना ख्याल रखना चाहिए। जब आप वहाँ तवाफ के लिए हजरे असमत के सामने चले जाएंगे तो हजरे असमत के सामने जाकर वहाँ उसके पहले या उसके पास पहुंचकर आपको ये हाथ खाली रख लेना है, हाथ खाली रखना है। जब आप यहाँ से चलेंगे, आपने नियत कर लिया, अब आप चले, नमाज का कोई भी वक्त आएगा इस तरीके से नमाज करेंगे, मक्का मुअज्जमा पहुंचेंगे, इंतहाई खुशनुमा चेहरा बना लीजिए, तबस्सुमा में कि कितनी खुशी मुयस्सर आ गई है, इस अंदाज से रहिए और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलाल असमत पर निगाह तसव्वुर आपकी रहे, आप काबे मुअज्जमा के सामने पहुंचिए। हदीस शरीफ में है कि काबे मुअज्जमा पर निगाह पड़ते ही जो दुआ मांग लो अल्लाह पूरी फरमा दे, काबे मुअज्जमा पर निगाह पड़े फौरन कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर तहलील पढ़िए और फौरन दिल में जो दुआ कीजिए, कोई भी दुआ, बच्चों के लिए दुआ, घर वालों के लिए दुआ, अहबाब के लिए दुआ, अकरबा और रिश्तेदारों के लिए दुआ, जो भी दुआ कीजिए, अपने रिस्क के लिए दुआ, जो भी दुआ कीजिए, और पहली निकाह में जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो उस वक्त मैं कहता हूं, मेरी एक बात सुन लीजिए, उस वक्त आप कोई दुआ मत करो, ये दुआ कर दो कि ऐ अल्लाह जब तक मैं मक्का मुअज्जमा में रहूं, मदीना मुनव्वरा में रहूं, मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, यानी मैं जो दुआ करूं यहाँ की हाजिरी में मेरी हर दुआ कबूल करो। तो अब क्या होगा कि अगर ये दुआ कबूल हो गई तो जब तक आप मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में रहोगे जो जो मांगते जाओगे अल्लाह ताला आपको फरमा देगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब उसके बाद हाजिरी में चाहिए ये
कि बाबू सलाम से आप अंदर दाखिल हो, सुन्नत ये बाबू सलाम। ये देखिए, ये है हजरे असवद, हजरे असवद का जो कोना है जहां हजरे असवद लगा हुआ है, और हजरे असवद से थोड़ा सा हटकर यहां खाने काबा शरीफ का दरवाजा है, ये दरवाजा है। अब बाबू सलाम जो है खाने काबा शरीफ के सीधे में यानी दरवाजे की तरफ से होता है, सामने बाबू सलाम। अब अगर वहां पता चल जाए तो उस तरफ से आइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अगर ना भी पता चले तो सामने के दरवाजे, क्योंकि ये बहुत लंबा इलाका है, ये जो है किलोमीटर के एतबार से अगर आपको इधर से इधर घूम कर आना पड़ा तो किलोमीटर के एतबार से हो जाता है, तो हो सकता है कि आपका रहने का ठिकाना जो है पीछे की जानिब हो, दाहिने जानिब हो, बाएं जानिब हो, इधर पड़ता है, ये तो पता नहीं चलता है। और पहली बार जो जाता है पहले तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम किधर हैं, तो बाद में आप दो चार रोज जब रहेंगे तो मालूम होगा। मैडम मैंने आपको बता दिया कि खाने काबा के दरवाजे की जानिब बाब सलाम इस तरफ से आप दाखिल होंगे। अब हजरे असवद के करीब आ जाए, ये हजरे असवद मैंने ये भी देखा, तीन चार रोज गुजर गए थे लेकिन आदमी को ये भी नहीं पता चलता था कि हजरे असवद है कहाँ, ये भी मैंने देखा है। तो हजरे असवद बहरहाल ये इधर है जो देख रहे हैं, इसी अंदाज से आप फौरन पता लगाइए अगर न मालूम हो। हजरे असवद के पास आइए, इसके सामने में ये यूं है हजरे असवद, जो कोना है कोने के एतबार से आप यूं खड़े होंगे। अब उसके बाद यहाँ आकर के आप नियत करेंगे, नियत करता हूँ मैं तवाफ की, खाने काबा के तवाफ की कह लीजिए, या ऐसे भी चूंकि दिल का इरादा होता है तवाफ काबा ही कर रहे हैं, तो आप सामने में खड़े हो जाइए, कहिए नियत करता हूँ मैं तवाफ काबा की, आय अल्लाह इसमें मेरे लिए बरकत है, मेरी जानिब से इसको कबूल फरमा दे और इसे मेरे लिए आसान फरमा दे। ये हर जगह हर रुकन की अदायगी में जरूर कर लीजिएगा, और जब आप कह लेंगे इसे मेरे लिए आसान फरमा दे तो अल्लाह ताला इस तरह आसान फरमा देगा कि अदायगी आप उस रुकन की करोगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि कैसे अदा है। बूढ़े बूढ़े लोग बिल्कुल मरने के करीब थे, बीमार पड़ गए, अब बचेंगे नहीं, लेकिन कुछ भी ताकत मिली और हज के लिए चले गए, वहां गए आए तो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त होकर दिया, पता नहीं चल पाया उनको, फिर आकर के बीमार पड़ गए। मेरे बुजुर्ग को दोस्तों ये मैं बता रहा था कि आप हजरे असवद के सामने तीर तो नीचे बना हुआ है, निशान है, लेकिन निशान में भी लोग इधर उधर मारते हैं जब करते हैं तो उसमें भी काफी परेशानी होती है। आप कोना देख लीजिए और ऊपर पीछे में सफा मरवा की जानिब जो कोना आता है असवद के सामने का सीधा, वहां भी लाइट हरे रंग की जलती है, इधर देख ले इधर देख ले तो समझ में आ जाएगा, और लोगों को हटा बटा के वो लकीर देखने में परेशान होती है। पहले इसके सामने खड़े हो जाइए, नियत कीजिए, नियत करता हूँ मैं तवाफ काबा की, ऐ मौला इसे मेरे लिए आसान फरमा, इसे मेरी जानिब से कबूल फरमा, इसमें मेरे लिए बरकत और रहमतियां अता फरमा। जरूरी नहीं कि जो मैं लफ्ज कह रहा हूँ आप अपने लफ्ज में भी अदायगी कर सकते हो, नियत दिल के इरादे का नाम है, जबान से कहना बेहतर है, जबान से कहना, वरना दिल के इरादे का नाम आप यूं ही सिर्फ चले जाओ तो भी जो है आपका तवाब हो जाएगा, जबान से कहना मुस्तहब है। अब ये कहने के बाद यह हजरे असवद की जानिब यूं हाथ उठाई हुई, अल्लाह तौफीक दे तो आप हजरे असवद के करीब चले जाओ, और हजरे असवद चांदी के प्याले में लगा हुआ है, बड़ा सा प्याला है उसमें लगा हुआ है, अल्लाह तौफीक दे तो आप जा करके दोनों तरफ हाथ रख करके मुंह से चूम लो, मुंह से नहीं चूमना हो पा रहा है तो कम से कम हाथ बढ़ाकर दोनों हाथ बढ़ा के चूम लो, या एक हाथ चला जाए तो एक हाथ से चूम लो, और अगर वो नहीं है तो फिर दूर से वो भी नहीं तो आप लाठी से भी लगा लेको, उस वक्त लाठी अगर डंडा लगाओगे तो और इंतजार बहुत भीड़ होती है, तो दूर से इस्तेमाल करो, यानी हाथ के हाथ का इशारा यूं हजरे असवद की जानिब करो और कहो बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह,
बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहि हम्द। ये कहो हाथ झूम लेना है और ये कहते ही आपका तवाफ। अब तो आप देखो तुम तो एक ही तरफ सब लोग जाते हैं, उसमें दाहिने भाई कहने के दूसरे बहरा दाहिने जाने जा रहा है। एक बात ख्याल रखिएगा, अब जब आप तवाब शुरू करेंगे तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपने कह दिया, बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कह करके अब आप चले। तो जैसे ही चले तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। और उसके बाद आप पढ़ते रहिए कुरान शरीफ की जितनी दुआएं आपको याद है, स्टॉप चेक करके दुआ मत पढ़िए, खुशू नहीं मिल पाता है। जो दुआएं आपको याद है, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया, अल्लाहुम्मा रब्बी जल्ली मुकीम सलाम व मुसलिम, जो दुआएं याद है, जो हमेशा नमाज पढ़ते रहते, नमाज में सुनते रहते, सुनते सुनते याद कर, उन दुआओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते, उन दुआओं को पढ़ते हुए धीरे धीरे आप चलते रहिए। आपको उम्र अब हज के तवाफ में बता दिया रमल है, लेकिन रमल तभी है जब आपको जगह मिले, यानी अकल का जो चलना है, जो अध्यक्ष की चाक चलना है, वो तभी है जब आपको जगह मिले। अलबत्ता ये जो है चादर तो मैंने बताया कि दाहिना बाजू आपका खुला रखना चाहिए, वो खुला रख करके आपको सवाब करना है। अरबी में दुआएं नहीं याद है, अल्लाह मेरे बाप दुनिया में नहीं है उनको बख्श, उनकी खताए माफ फरमा दे, मेरे भाई ये है मौला इन पर करम फरमा दे, ऐ मौला हमारे नासिर खान वगैरह, हमारे गुड्डू साहब वगैरह, इकबाल वगैरह, हाजी साहब वगैरह, इन लोगों ने जो ये इहतमाम किया हम लोगों की तरबियत और तालीम के लिए, मौला इनको भी अजर अता फरमा। मोहम्मद शमीउल समा कादरी को भी याद रखिएगा, इसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। जो भी दुआएं करें आप अपने घर वालों के लिए, मौला मेरे बच्चों को ईमानदार और दीनदार बना दे, मेरे भाइयों को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा दे, मेरे घर की ये परेशानी है दूर फरमा दे, मेरे घर वालों को खूब खुशहाल बना दे, अच्छा बना दे। जो दुआएं जिसके लिए करनी है बस करते रहिए, और कदम कदम पर दुआओं की मकबूलियत का वक्त है, चलते रहिए तवाफ पे, दुआएं करते रहिए। आप जैसे ही खाने काबा के दरवाजे से आगे बढ़ेंगे दूसरा कोना आएगा, तो वहां अब आप जाएंगे जो लोग गए हैं वो जानते हतीम है, इतनी ऊंची दीवार है, दीवार से घेर दिया गया है, और वो काबा मुअज्जमा का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल व करम है, जिन लोगों के पास उस वक्त पैसा कम था जब खाने काबा बना रहे थे, सोचा बाद में बना दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि मेरे बंदे जो हज की नियत से आवे और काबा मुअज्जमा के अंदर दाखिल होने का इरादा हो, तो काबा मुअज्जमा में तो सब जा नहीं सकते, हतीम इतना छोड़ दिया जाए कि उसमें उनका दाखिला हो जाएगा, गोया काबे में दाखिला हो जाएगा। मेरे बुजुर्ग को दोस्तों अब उसके अंदर नहीं जाना है, इसलिए कि वो काबे का हिस्सा है, वो काबे के उस घर का हिस्सा है जो काबा के घर के अंदर है, तो उसमें नहीं जाना है, बाहर ही से आपको तवाफ करना है, बाहर से चक्कर लगाना है। अब आप चलते हुए रुकने शामी रुकने इराकी पर आएंगे, रुकन कहते हैं जो चारों कोना है, एक हजर असद का कोना है, रुकने शामी एक कोना है, रुकने इराकी एक कोना है, और फिर एक कोना रुकने यमनी कहा जाता है। जब आप रुकने यमनी कैसे बता दूं मैं आपको, यह है ये हजर असद का कोना है, ये रुकने शामी का कोना है, ये पीछे रुकने इराकी का कोना है, और हजरे अस्वद के इधर पीछे ये रुकने यमनी है, रुकने यमानी या यमनी बोला जाता है, ये रुकने यमानी है। मेरे बुजुर्ग को जब चलते हुए आप यहाँ आओगे, अगर भीड़ ज्यादा है तो सिर्फ हाथ से इशारा करके क्यों छोड़ो, हाथ से इशारा करके हाथ पीछे गिना दो, और अगर जगह मिले तो वहां जाकर के आप चूम लो, यहाँ जगह मिल जाती है रुकने के चूमने की, जगह मिल जाती है चूम लो। हजरे अस्वद के अब यहां से रुकने यमानी से जब पास आओगे तो मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक 70,000 फरिश्ते हर वक्त खड़े रहते हैं, जो दुआ मांगने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं, और जिसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते उसकी दुआ कबूल है।
अब यहां से मेरे आका ने फरमाया जब यमानी से आगे बढ़ो इसको इशारा कर दो या बोसा दे दो, अब यहां से आगे बढ़ो तो पढ़ो اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا اکثر لوگوں کو نماز میں ہی دعا سنتے سنتے یاد ہو جاتی اور جن لوگوں کو نہ بھی یاد ہو تو یہ دعا ضرور یاد کر لیں, اس لیے یاد کر لیں کہ اس ربنا آتنا کو جگہ جگہ پڑھنا ہے, ہر جگہ ربنا آتنا کی دنیا ہے اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر مجھ سے سنیے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار. میرے بزرگوں دوستوں ایک بات اور بتا دوں, بہت مجرب نسخہ ہے یہ اللہ عمر ربنا آتنا, اگر آپ کو نہیں یاد ہے 70,000 ملائکہ یہاں حاضر ہیں آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی دعا نہ کرے, کوئی دعا نہ کرے, دعا کی جگہ صرف مجھ پر درود پڑھ لے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور درود کا ثواب بھی مل جائے گا. تو خود فقیر کا یہ جو طریقہ تھا, میں ہر جگہ کو مقامی مستلزم پر جاتا تھا, حضرت اسود کے پاس جاتا تھا, یہاں سے گزرتا تھا, ایک بار اللہ اکبر ربنا آتنا پڑھتا تھا, پھر میں سرکار پر درود پڑھتا تھا, کثرت سے درود پڑھتا تھا. اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ دعا ہم نے پڑھی نہیں لیکن دل کی جو باتیں ہوں میرا خدا دیکھ رہا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا دل کی جو دعا ہوگی وہ تو قبول ہو ہی جائے گی اور پھر درود مصطفیٰ پر درود مصطفیٰ پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دیا ہے, دعائیں نہ بھی کریں گے اپنے آقا پہ درود پڑھتے رہیں گے تو دعائیں بھی قبول ہوتی جائیں گی اور درود پڑھنے کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا. اب آپ یہاں سے حجر اسود تک آئے, یہاں سے چلے تھے یہاں تک آ گئے, ایک چکر ہو گیا, ایک چکر ہو گیا, اب دوبارہ چکر شروع کرنے کے لیے پھر حجر اسود کے سامنے جو کھڑے ہو جانا ہوگا اور پھر اس کی جانب جو ہاتھ بڑھا دینا ہوگا استلام کرنے کے لیے, ورنہ قریب اگر جگہ. ویسے اس مرتبہ چونکہ ابھی یہ حالات کی وجہ سے پھر کم ہی ہوگی, رپورٹ بھی پہلے کی طرح نہیں ہوگی, 60,00,000, 50,00,000, 40,00,000 کا مجمع لوگ کم ہوں گے تو جو جوان قسم کے لوگ ہیں پورے طاقتور لوگ ہیں وہ حضرت اسود کی گرمی کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ فقیر نے ایک بار نہیں بہت بار حضرت اسود کو بالکل جان کے اپنے موضوع کو مار کئی بار مجھے موقع ملا, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو چوب لیتا, لیکن بعد میں ادھر 12-15 سالوں سے میں قریب جانے کی بالکل کوشش ہی نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ میں ہارٹ اٹیک کا مریض ہو گیا تو اس وجہ سے اب قریب نہیں جاتا تھا تو اس سے استلام کرتا ہوں. لیکن پہلے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایک طواف میں میں نے دو بار اپنے منہ سے چوم لیا, جوانی تھی جوانی سے میں نے شروع کیا تو اس لیے پہلے, اس لیے ہر جوانی میں کرنا چاہیے جوانی کی چیز ہے. لیکن پہلے تو یہ تھا جو بوڑھا پردے کے قریب ہو تو تک اب 2 سال میں مرنے والا ہے, 3 سال میں مرنے والا تھا بچ بھی جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ لوگ طاقت کرو اللہ تعالیٰ فرمائے. اب یہاں آپ آئے پھر اسی اب اسی انداز سے پھر آپ نے جو ہے شروع کیا بھائی بسم اللہ السلام علیہ وسلم اللہ اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولللہ الحمد. پڑھنے کے بعد پھر اب دوسرا چکر شروع, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے چلیے, پھر اور کلمہ, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ, چوتھا کلمہ اعوذ باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا الہ الا اللہ. ہاں یہ دو چیز یاد رکھیے گا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وله الحمد وله الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. یہ تسبیح والی کتابوں میں حج والی کتابوں میں یہ مل جائے آج سے یاد کر لو, اس لیے کہ اس دن کی تکبیر جو ہے تسبیح سب سے عظیم یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, حج میں بھی زیادہ زیادہ اس کو پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تو پڑھنا ہی ہے لیکن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جگہ جگہ پر یہ بھی پڑھنا اور میدانی عرفات میں تو اس کو خوب زیادہ پڑھنا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ ضرور یاد کر لو اپنے بچوں کے ذریعے سے گھر والوں کے ذریعے سے اسے یاد کر. اب میرے بزرگوں دوستو دیکھیے میرے ہاتھ میں تسبیح کر رہے ہیں, یہ سات دانے کی تسبیح ہے, یہ سب کو مل جائے گی چلنے کی جگہ اور جگہ نہ ملے آپ اپنے سے خود تیار کر لو دکانوں پر مل جاتی ہے جہاں سے احرام آتے ہیں. تو اب جب پہلا طواف یہاں آ گئے پورا ہو گیا تو اس کو یہاں سے یوں سرکا لو,
इसको हाथ में जोड़ लटकाए रखिए, एक दाना एक तर, एक चक्कर हुआ एक दाना, दूसरा चक्कर हुआ दूसरा दाना, तीसरा चक्कर हुआ तीसरा दाना, इसी तरीके से सातों चक्कर लगा लेंगे याददाश्त के लिए, ध्यान में मजबूत रहने के लिए, ये तरकीब बहुत कारगर है। अच्छा, अब आपका दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर चौथा चक्कर जिस तरीके से मैंने बताया कर लेंगे, चक्कर पूरा सात चक्कर हो गए, सातवें चक्कर में आप आए तो आकर के यूं मत हट जाइए, फिर कह लीजिए हाथ से इस्तेलाम करके, फिर वहां से लीजिए मकाम इब्राहिम यहाँ पर है, ये मत ये है हजरे अस्वद, हजरे अस्वद के इस कोने के बीच में जैसे मैं खड़ा हूं ना यही पर मकाम इब्राहिम है, वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हुजूर सैयद आलम सर हुजूर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, तो पत्थर ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का निशान कदम अपने अंदर जब कर लिया था, ये पत्थर ने गदा हो गया उनके पैर का पूरा निशान, वो पत्थर मकाम इब्राहिम एक गोल दायरा बना हुआ है शीशे का उसके अंदर रखा हुआ है, मकाम इब्राहिम पर पहुंचकर तवाफ पूरा करने के बाद मकाम इब्राहिम के करीब यहाँ जैसे ये मकाम इब्राहिम है आप यहाँ खड़े हो जाए, खाने काबा की तरफ मुंह है दो रकात नमाज वाजिबुत तवाफ, उनके कहताओं में दो रकात नमाज वाजिबुत तवाफ, क्योंकि ये नमाज जो दो रकात पढ़नी है ये तवाफ के बाद वाजिब है, तवाफ पूरा होने के लिए अगर वाजिबुत तवाफ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका ये तवाफ नाफिस नामुकम्मल रह जाएगा, दो रकात नमाज पढ़िए। अब बात यह है कि मकाम इब्राहिम के पास भीड़ ज्यादा होने की वजह से जगह नहीं मिलती है, तो अब आप कहीं भी पहुंच सकते उससे जितनी भी दूर, एक सब दूर चार सब दूर दस सब दूर इधर उधर जहां भी दाएं बाएं जगह मिले तो रकात नमाज वाजिब तवाब की नियत से आप पढ़ें और पढ़ करके दुआ कर लीजिए, फिर वही दुआ जो दिल से मांगनी है मांगो। उसके बाद हुक्म है कि आप मकाम मुस्तजिब पर आइए, यहाँ खाने काबा के दरवाजे और हजरे अस्वद के बीच में ये दुआओं की बेपनाह मकबूलियत का मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मकाम मुस्तजिब पर आते थे कभी अपना सीना खाने काबा से चिपकाते थे, कभी अपना पेट चिपकाते थे, कभी ये गाल कभी इस तरफ का रुखसार अल्लाह के प्यारे रसूल चिपकाते थे और बच्चों की तरह रोया करते थे, तो आप वहां रो आंखों से आंसू निकल आए, दुआएं करते रहो मौला बख्श दे मौला बख्श दे, आइंदा जिंदगी मेरी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे मेरे भाई मेरे घर वाले मेरे अजीज वकरमा, जो भी दुआ करनी गिड़गिड़ा कर रो रो करके मांगो, इतना जान लो जिस मौके पर आपकी आंखों से खौफ इलाही से और मोहब्बत इलाही से आंसू का एक कतरा निकल गया वो रुकना आपका मकबूल हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो अब एक बात मैं बताऊंगा आपकी आसानी के लिए, ये तो है कि मकाम इब्राहिम पर जाकर नमाज पढ़ करके यहाँ आते चिमटना है, लेकिन भीड़ इतनी कसीर होती है तवाफ करने वालों का इतना ज्यादा मजमा होता है कि फिर आगे आना दुश्वार होता है, इसलिए मैं खुद अपना जो करता था कि तवाफ सात चक्कर पूरे करने के बाद मकाम मुस्तजिम से मैं चिमट जाया करता था और खाने काबा शरीफ के दरवाजे पर किसी भी सूरत में पहुंचने की पूरी कोशिश करता, अपने चालाकी होशियारी से भी अपने इल्म से बहर पहुंचता था खाने काबा शरीफ के दरवाजे पर हाथ रख करके, उसका गिरदा जो भी था आप भी संदाज से करो और उसके बाद आप आ करके तब तवाफ काबा के बाद जो तो रखे पड़े उसके बाद अदा कर लो, तो बहरहाल चूंकि आने में दुश्वारी है इसलिए पहले ही चिमट करके चले जाएंगे। अब उसके बाद दो रकात नमाज पढ़ने के बाद उस आबे जमजम के पास आना है, पीछे ही आबे जमजम है, हजरे अस्वद के सीधे में इसका कुआं है, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया मैंने वो कुआं पहले देखा, पहले वो कुआं था जाहिर आता था, एक दो बार जब मैं पहले गया तो मैंने कुएं की ज्यारत की, कुएं के अंदर झांका और उससे पानी पिया, लेकिन अब तो मेरा ख्याल 15-17 साल पहले वो कुआं बंद कर दिया गया, अब पता ही नहीं चल रहा कुआं कहाँ, बस वो नल लगा हुआ है, नल से आप पानी लीजिए, नल से पानी लीजिए और खूब पीजिए, पेट भर गया फिर पीजिए, प्यास खत्म हो गई और पीजिए, फिर सर पर भी डालिए, चेहरे को पर डालिए, बदन पे डालिए, और जो बीमारी अगर कोई है तो उस नियत से डालो कि ये बीमारी भी दूर हो जाए, और पानी पीने के बाद बदन में चुपर लेने के बाद आप दुआ करो, आप दुआ करो
अगर तुम्हारा उस वक्त की याद है तो, और नहीं याद है तो फिर आप कहो ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा, मेरी जो बीमारी है उसे दूर फरमा, और मुझे रिस्क के पास से यानी वसी रिस्क ज्यादा रिस्क अता फरमा। यही दुआ अरबी की है, मैंने उर्दू में आपको बता दिया कि मुझे इल्म नाफे अता फरमा, रिस्क के पास से अता फरमा, मेरी हर बीमारी को दूर फरमा दे। ये दुआ करने के बाद अब आपको सफा मरवा, यह हजरे अस्वद था, हजरे अस्वद के सीधे और इसके बीच में सामने सफा मरवा है, इधर की डाली सफा मरवा है। अब आप सफा मरवा में सफा की डाली, सफा दाहिने जानिब आप देखेंगे, दालान से जाएंगे तो सफा की पहाड़ी नजर आएगी। अब तो थोड़ी सी सी पहाड़ी नजर आती है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर कर दिया गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा सफा पहाड़ी का, थोड़ा उधर मरवा पहाड़ी का बाकी है। अगर मरवा पहाड़ी से शुरू करोगे तो आपका ये एक चक्कर जो है वो नामुकम्मल रहेगा, पूरी आपकी सही नहीं हो पाएगी। इसलिए सफा की जानी माना है, सफा पहाड़ी पर चढ़ जाना है और सफा पहाड़ी देखिए दूसरी ये हजरे अस्वद है। अब सफा इधर पहाड़ी है, इधर मरवा पहाड़ी है, हजरे अस्वद के सामने आप देख लीजिए, थोड़ा सा चढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा हजरे अस्वद। हजरे अस्वद अरे मेरी जानी देखिए ना, सुनिए हजरे अस्वद की जानी आप निगाह करो, जैसे हजरे अस्वद का तवाफ करते हुए आपने हाथ को उठाया था ऐसे फिर हाथ जोर से उठाओ, सफा पहाड़ी की जानिब से उठाओ, जो उठाओ वो वही बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़ते हुए सफा से मरवा की जानिब जाओ। सफा से ये बीच में निशान लगा हुआ है, इधर से जाओ और इधर से आओ, यहाँ से मरवा तक पहुंचे तो एक चक्कर, मरवा से सफा पर आए तो दो चक्कर, यानी चार मरतबे इधर से जाना है और तीन मरतबे उधर से आना है, आपका सात चक्कर इस तरीके से बनाया जाए। सातवां चक्कर आपका मरवा पर पूरा होगा, फिर आप दो रकात नमाज नफल अल्लाह ताला के इस शुक्र की अदायगी में पढ़ लो कि हमारा हमारी सही भी मुकम्मल हो गई, इस तरीके से वहां पढ़ लो काबा शरीफ के अंदर आकर के पढ़ लो। अब आपका ये पूरा हो गया, ये उम्रे का मामला जो पहली बार गए थे उम्रे का मामला पूरा हो गया, अब आपको अपना बाल कटाना है, चाहे हज्जाम के जरिए से अपना पूरा बाल छिड़वा दीजिए या आधा बाल, आधा के लिए आधा इधर आधा इधर, बाल लंबे हैं तो उस बाल कटवा दीजिए, चाहे तरसवाइए चाहे छिड़वाइए, हलक करवाइए कसर करवाइए। अब उसके बाद आप आजाद हैं, एहराम को खोल लीजिए, नहा लीजिए, आप आजाद हैं। फिर जब तक आप काबे मुअज्जमा में आठ ज़िलहिज्जा के पहले रहेंगे, जैसे चाहेंगे जितना चाहेंगे उमरा करेंगे, उमरा करने के लिए वहां मस्जिद अच्छा में जाना है, वहां से एहराम बांध करके नियत करके आना है, वो 10 रियाल 5 रियाल 20 रियाल लगते हैं, आप रोजाना नहीं इसी में दो उमरा कर लो, ये उमरा कर लो, ताकत है तो हर उम्र में चूंकि तवाफ करना है और सही करनी है, ये ताकत है तो आप रोजाना कई कई बार कर सकते हो। और जब फिर हज का के अय्याम आएंगे यानी आठ ज़िलहिज्जा, तो आठ ज़िलहिज्जा को रात ही में पस बाजे मतलब आपका जो कफील होगा वो आपको ले जाएगा बिना किताब, तो आप मैं वही बता रहा हूँ कि आज को सुबह को जाना है फज्र की नमाज के बाद, लेकिन वो लोग रात ही में ले जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है, 7 तारीख को दिन में शुरू कर देते हैं, तो आपको 8 तारीख से पहले तैयार हो जाना है, घर में बच्चे ढंग से नहाना है, नहा करके कपड़े बदल लेने हैं, पित्र वगैरह भी लगा लीजिए पहले लगा लीजिए, और एहराम बांधने के बाद फिर आपको एहराम की हालत में इत्र नहीं लगाना होगा, तो पहले आप लगा लो खूब अच्छी तरीके से सफाई, जैसे भी आप नहाना चाहे तो जितना अच्छा साबुन जैसा साबुन नहा लो, नहाने के बाद एहराम बांधो, एहराम बांध करके आप हरम शरीफ में आ जाओ, हरम शरीफ पे काबे मुअज्जमा के सामने सर पे रहेगा पहला एहराम होगा हज का, तो सर पे एहराम की चादर पर के आपको दो रकअत नमाज पढ़नी है, जैसे मैंने पहले उमरे के लिए बताया था कि सलाम फेरते ही आप जो है सर से चादर हटा दो, खड़े हो जाओ, बारगाह मौला में नियत करो, नियत करता हूँ ऐ मौला मैं हज की, मेरा हज कबूल फरमा, इसमें मेरे लिए बरकत दे, इसे मेरे लिए आसान फरमा दे, और उसके बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हमदा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, और जब जब चाहे उमरे में और चाहे हज में जब जब आप एहराम की हालत में रहोगे, कभी ऊपर चढ़ोगे कभी नीचे उतरोगे, कोई पहाड़ देखोगे कुछ भी ऊंचाई मिचाई का कोई
कोई मामला झाती होगा, आप चल रहे हो या उतर रहे हो, बस आपके ऊपर जा रही है नंचे उतर रही है। जब जब ऐसा हो फौरन को लंपाई करना हम लंपाई लंपाई करना शरीर का रखा लंपाई इधर घंटा बंदी के बंदों ने कहा बिल्कुल ना शरीर का लग मेरे उन लोगों दोस्तों मेरा फिर बोलो बस के जरिए से आपको मीना ले जाएंगे। मीना में आपको 8 तारीख की फज्र से लेकर 9 तारीख की फज्र तक 5 नमाजें पढ़नी है। बिना रहेंगे कब फलाका मत कीजिए, फालतू बातें दुनियावी मत कीजिए, घर को भूल जाइए, सिर्फ दुआ के लिए घर को याद कीजिए और वहां सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और उसकी रियासत उसके जिक्र में अपने को मशगूल रखिए। ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, नमाज कभी किसी भी सूरत में आपको छूटने ना पाए। बहरहाल 9 तारीख को नमाज फजर के बाद मकामी अरफात की जानिब आपको जाना होगा। बहुत भीड़ रहती है, बसों में बिल्कुल मारामारी हो जाती है, बसें आपके जो मुअल्लिम होंगे उनकी जानिब से रहती है, आपको जो नंबर मिलेगा मुअल्लिम का उस नंबर की बस रहती है, लेकिन दुश्वारी होती है। अल्लाह ताला फजर फरमाए, जो लोग ताकतवर हैं लोगों के साथ पैदल भी जा सकते हैं और जिनको ताकत नहीं हो बस का इंतजार करें जैसे भी जाए। बहरहाल मैदान अरफात में आपको जोहर से पहले पहुंच जाना है, किसी वजह से नहीं पहुंच सके तो जोहर तक जरूर पहुंच जाना है और फिर आपको वहां नमाज जोहर पढ़नी है और नमाज असर पढ़नी है। अगर तन्हा पढ़ेंगे तो नमाज जोहर को नमाज जोहर के वक्त में पढ़ेंगे और तन्हा ही पढ़नी है, और नमाज असर को नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे, तन्हा तन्हा जब पढ़ेंगे, वरना वहां का इमाम जब पढ़ाता है तो दोनों नमाज को एक साथ पढ़ा देता है और वो सिर्फ दो रखकर पढ़ाता है। लेकिन आपको देखना होगा कि आप मक्का मुअज्जमा में कितने दिन रहे, अगर 14 रोज से कम रहे हैं तब तो आप मुसाफिर हैं, दो रखकर पढ़ेंगे, और अगर 14 रोज से ज्यादा ही 15 रोज आपके पूरे हुए 15 रोज से ज्यादा है तब आपको पूरी 4 रकात नमाज दोपहर की भी और 4 रकात नमाज असर के वक्त में नमाज असर की पढ़ेंगे। हाँ, नमाज असर का वक्त जैसे ही शुरू हो आप उस वक्त फौरन नमाज असर पढ़ लें और नमाज असर पढ़ने के बाद बस बारगाह मौला मैदान अरफात में कहीं भी अपने खेमे के बाहर खड़े हो जाए और फिर आप दुआएं करें, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ें, मैंने अभी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु बार बार पढ़ें और उसके बाद दुआएं करते रहें, लेकिन रोकर गिड़गिड़ाकर दुआएं करते रहें। कोशिश करें कि खुदा की बारगाह में मेरे गिड़गिड़ाने का आंसू निकल आए, आंसू निकला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा दिया। बहरहाल अब सूरज जब डूब जाए जब तक दुआओं में खड़े खड़े दुआओं मशगूल बैठना नहीं, खड़े खड़े दुआएं करते रहिए, तकबीर पढ़ते रहिए, तशरीह पढ़ते रहिए, तहरीर पढ़ते रहिए, लबैक पढ़ते रहिए। जब सूरज बिल्कुल डूब जाए और डूब जाने का यकीन हो जाए तब उसके बाद वहां से निकलना है और मुस्तफा आना है, मुस्तफा आना है। अब नमाज मगरिब का वक्त खत्म हो गया है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फज्ल करम है, मेरे आका ने फरमाया मुस्तफा में आओ तो वहां एक अजान एक तकबीर होगी, पहले 3 रकात मगरिब की नमाज, फिर आप मुसाफिर हो तो 2 रकात, मुसाफिर नहीं हो तो 4 रकात ईशा की पढ़नी है, और उसके पढ़ने के बाद फर्ज के बाद दोनों की फर्ज की अदायगी के बाद सुन्नत और नफल, पहले मगरिब की सुन्नत और नफल, फिर उसके बाद ईशा की सुन्नत और नफल पढ़नी है। पूरी रात आपको मुतलका में अल्लाह की इबादत में मुस्तकर रहना है, और मेरे आका ने फरमाया मकाम मुतलका की रात हाजियों के लिए शबे कदर से भी अफजल है, रमजान मुकद्दस का शबे कदर ना उस रात से भी हाजियों के लिए बाहर गुजारने वाली रात अफजल है। पूरी रात गुजारो, थोड़ी देर सो भी जाओ ताकि दूसरे दिन आपको परेशानी ना हो कि कंकड़ मारने में दुश्वारी हो जाए या दुश्वारी हो जाए। तो बहरहाल वहां अब आप पूरी रात गुजारने के बाद नमाज तहज्जुद नमाज नवाफिल करने के बाद सुबह होती, सुबह की पहली फुर्सत में सुबह 7 बजे होते ही सबसे पहली फुर्सत में नमाज फज्र पढ़ लो, नमाज फज्र पढ़ लो। और एक बात आपके यहाँ याद रखिए, नमाज फज्र के बाद भी वकूफ वाजिब है, नमाज फज्र के बाद भी वकूफ वाजिब है। कुछ लोग नमाज फज्र के पहले भी वहां से चलने लगते हैं और कुछ लोग नमाज फज्र के बाद फौरन चल देते हैं, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए को 2-4-5 मिनटों का वकूफ होता है, 10 मिनटों का वकूफ होता है। नमाज फज्र के बाद आप खड़े हो, वकूफ किसका नाम, खड़े हो जाइए, नियत कीजिए मौला मैं तेरी बारगाह में मैदान मुज़दलिफा में वकूफ की नियत करता हूँ, बस ये यहाँ वकूफ की नियत करता हूँ, वकूफ की नियत करके हाथ खा दीजिए, मौला मेरी बख्श फरमा, मौला मेरी मगफरत फरमा, मौला मेरा काम पूरा फरमा, मौला मेरी परेशानी दूर फरमा,
दुश्मनों से निजात है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो मुल्क हिंदुस्तान की सलामती और यहाँ के अमन अमान के लिए दुआओं की। हर मौके पर अपने मुल्क हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे उसके लिए जरूर दुआ कीजिएगा, दुआएं कीजिए, दुआ करके फिर आप चेहरे पर फेरिए और फिर वहां से मकामी मीना की जाए आप चल दीजिए। मकामी मीना आएंगे चमड़े ऊपर जो सबसे बड़ा शैतान है उसे आपको कंकर मानी हो वहां आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है मैं यहीं पर अपनी माता का शुक्र करता हूँ और नमाज के लिए हम लोग चलते हैं। नमाज के बाद आपको ये हमारे इन लोगों ने जो ये इस्तेफा दिया इसके जरिए भी आप देख लोगे कैसे कैसे तकरीबन ज्यादा चीजें बता दी, इसलिए याद रखिएगा इंशाल्लाह आपका।